बिहार में 90 दिनों के लिए रोका गया जमीन सर्वे का काम। नीतीश सरकार ने इसे लेकर दिया एक और बड़ा अपडेट। बिहार में जमीन सर्वे के बीच अपने कागजात के इंतजाम में भागदौड़ करने वाले लोगों को अब सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार के एक मंत्री ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है और बताया है कि कुछ दिनों के लिए अभी सर्वे को टाल दिया गया है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल जमीन का सर्वे जब शुरू हुआ तो ये पाया गया कि 10-15% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है या फिर उन्हें कागजात जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। इन लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सर्वे का काम 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इन लोगों को 3 महीने का समय मिल गया है ताकि वो अपने जमीन के कागजात और जो भी जरूरी दस्तावेज है वो जमा कर सके। इस कदम का उद्देश्य साफ तौर पर सर्वेक्षण के दौरान आ रही समस्याओं का समाधान करना और इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। आपको बता दें कि जमीन का सर्वे करने से पहले लोग अपने कागजात को पूरी तरह से दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। इसके लिए जिला अभिलेखगार से लेकर अंचल के अभिलेखगार तक चक्कर काट रहे हैं। पूर्वजों के नाम से दर्ज खाद्यान्न को निकालने में परेशानी तो हो ही रही है, पटीदारों में भी आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इससे लोगों में और भी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। इस वक्त देखा जाए तो थाने में 7% से भी ज्यादा मामले जमीन के पड़े हुए हैं। जमीन को लेकर विवाद, हत्या, मारपीट और कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं। यही वजह है कि बिहार सरकार ने जमीन सर्वे करने का फैसला लिया है, जिस कारण इन मामलों में कटौती होगी। क्योंकि जब सर्वे हो जाएगा और सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1890 में अंग्रेजों के समय सर्वे की शुरुआत हुई थी और करीब 130 साल के बाद रिविजनल सर्वे बीच में हुआ, लेकिन अब सरकार ने विशेष सर्वेक्षण का अभियान शुरू किया है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।